रेत खनन माफिया तेजी से नर्मदा का सीना छल्ली करते हुए अवैध रेत निकालने में जुटे हुए हैं। बुधनी में नर्मदा नदी से रेत निकलने का ठेका लेने वाली कंपनी एनजीटी नियमों के ताक पर रखकर सैकड़ों मशीनें चलाकर नर्मदा नदी को खोखला कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में रेत निकालने का ठेका सीहोर खनिज विभाग द्वारा रेत खदानों को दिया गया है, लेकिन आधिकारिक एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रेत चोर माफिया ग्राम बाबरी जजना जहाजपुरा सीलकंठ में दर्जनों मशीनों से रेत निकालकर नर्मदा नदी को खोखला कर रहे हैं। अंधाधुंध चल रही मशीनों से नर्मदा नदी में रहने वाले जलीय जीव भी विलुप्ति की कगार पर है। सूत्रों की माने तो नर्मदा नदी में अवैध खनन करने वाली रेत माफिया यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सीहोर जिला प्रशासन एवं खनिज अधिकारी राजेंद्र परमार और खनिज इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी का खुला संरक्षण है, इसलिए सीहोर खनिज विभाग द्वारा ठेकेदार की पोकलैन जेसीबी और पनडुब्बियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सीहोर जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और रेत माफिया मां नर्मदा का सीना चीर रहे हैं। वहीं जब इस मामले पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से अवैध उत्खनन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बात की, लेकिन उन्होंने अवैध रेत खनन पर चुप्पी साध ली। रेत के अवैध खनन में पूरा सिस्टम लिप्त है, मैं अपने स्तर पर कार्यवाही करवाता हूँ। मैंने सीहोर में कलेक्टर्स सारे एसडीओ सारे तहसीलदारों की मीटिंग ली थी, माइनिंग वाले से ली थी। ये ठीक है अवैध खनन इसमें हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कमी है, मगर जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसको सही तरीके से किया था। जैसे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने थोड़ी नीति में परिवर्तन कर दिया, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है। मैंने कलेक्टर ने भी कंप्लेंट जाके पकड़ी है, एसडीओ जमील ने भी पकड़ी, जमील खान ने भी, तो कार्रवाई तो की हमने, मगर फिर भी इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी। और जैसे मैंने मुख्यमंत्री से भी इस मामले में बात करूँगा, कलेक्टर से बात करूँगा, तो उसको कार्रवाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।